अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी, तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। एन MCGM प्रेजेंटेशन बाय वर्चुअल क्लास ऑनलाइन एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग खूब खेल रहे होंगे। खेलना तो आप बच्चों का हक है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर बच्चों, साथ में इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ना भी है, क्योंकि तालीम इंसान की जिंदगी को संवारती है, निखारती है और तरक्की की राह पर ले जाती है। आप अपने देश का मुस्तकबिल हो। आप लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। इसलिए आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने सुना होगा ना, बड़े क्या कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, खेलना कूदना तो आप लोग का हक है, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि आपकी जिंदगी को खराब कर दे, बल्कि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास आपके लिए वीडियो बनाए हैं, ताकि आप लोग भरपूर उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ताकि आप घर में बैठे अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मीडियम उर्दू, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, पार्ट वन। लेसन है स्मॉल लेटर्स। लुक, लिसन एंड से। देखो, सुनो और बोलो। ए, क्या पढ़ेंगे इसे? ए, ए फॉर एरोप्लेन। क्या है? ए फॉर एरोप्लेन। A for X, A for ant, A for apple। बच्चों, आपने देखा A से ए की आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? ए की आवाज आ रही है। देखो, हमने जितना भी पढ़ा सब क्या है? A for aeroplane, एरोप्लेन, एप्पल, एंट, एक्स। तो ए सेज ए। बी, बी फॉर बलून। बी फॉर बॉल। B for bat, B for bag। बच्चों, यहां पर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी सब कौन से साउंड से शुरू हो रहा है? ब, यानी B says ब। बलून, बॉल, बैट, बैग। C, C for cat, C for cupboard, C for clock, C for cap,
सी सेस का हमने अभी जो भी पढ़ा, सी फॉर कैट, सी फॉर कबर्ड, तो सी सेस क, सी का साउंड क्या है, क, कैट, कबर्ड, कैप, क्लॉक, सब सी से आ रहे हैं ना, और सबके साउंड शुरू में कौन सा साउंड आ रहा है, बिगिनिंग में क का। डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डॉग में पहला साउंड क्या आ रहा है, ड का, यानी डी सेज ड, डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर में भी पहला साउंड कौन सा आ रहा है, ड का, डी फॉर डॉल, कितनी प्यारी डॉल है ना, डी फॉर डॉग, देखो सब में पहला साउंड क्या आ रहा है, ड का, डॉग, डॉक्टर, डॉल, डॉग, तो डी सेज ड। ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई का साउंड क्या निकल रहा है, ए, एलिफेंट, ए फॉर ईगल। अब बच्चों कहीं कहीं पर जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से वहां पर इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि ई फॉर एलिफेंट, ई में, एलिफेंट में ई का साउंड क्या निकल रहा है, ए, लेकिन वहीं पर ई का साउंड ईगल में ई का निकल रहा है। तो ये अभी आपको इतना ही समझ में आएगा, जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपकी समझ में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, ई फॉर एग, ई फॉर एग, F, F for frog, कितना क्यूट क्यूट फ्रॉक है ना, अच्छा लग रहा है ना, अभी रमजान आ रहा है, रमजान के बाद ईद भी आएगी, तो आप लोग ऐसे ही फ्रॉक बनाना है ना, पसंद करते हैं ना आप लोग ऐसा फ्रॉक, लड़कियां, मैं लड़कियों से कह रही हूँ, लड़के नहीं, F for frog, F for fish, F for fan, जब हमें गर्मी लगती है तो हम क्या जलाते हैं, फैन जलाते हैं ना, F for feather, आपको पता है ये सब में साउंड पहला कौन सा निकल रहा है, गौर से सुनो, मैं दोबारा बोलती हूँ, फ्रॉग, फिश, फैन, फेदर, वेरी गुड, फ का साउंड निकल रहा है, तो एफ सेज फ, एफ सेज फ, एफ का साउंड क्या है, फ, जी, क्या पढ़ेंगे इसे, जी, जी फॉर गेट, जी फॉर ग्रास, जी फॉर गोट, गोट क्या खाता है, ग्रास खाता है ना, वेरी गुड, जी फॉर ग्लू, ग्लू स्टिक होती है ना आप लोग लगाते हैं जब क्राफ्ट में कुछ भी बनाते हैं आप लोग, जैसे कि नाव बना दिए, बोर्ड बनाते हैं,
कंदील बनाते हैं तो उसको क्राफ्ट की कॉपी में चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करते हैं ना? यस। आप जी का साउंड यहाँ क्या निकल रहा है, कौन बताएगा? अरे वाह, ग। जी का साउंड क्या है? ग। तो बोलो मेरे साथ, जी सेस ग, जी सेस ग। जी फॉर गेट, जी फॉर ग्रास, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्लू, एच, एच फॉर हट, हट यानी झोपड़ा, एच फॉर हॉर्स। अरे वाह, हॉर्स तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोग भी पसंद है ना? एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, एच फॉर हेन। हेन यानी क्या? मुर्गी। यस, अभी पता चला आपको एच का साउंड क्या हो सकता है? यस, वेरी गुड। अरे वाह, ह, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हेन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? एच सेज ह। आई, क्या पढ़ेंगे इसे? आई, आई फॉर इंक, आई फॉर, ओ बोलने की तो जरूरत नहीं, पहले ही बोल दिया आप लोगों ने। यस, आई फॉर आइसक्रीम। अब पहचानो इसे, ये क्या है? ओ हो, यस, बर्फ। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मालूम है किसी को? यस, आइस बोलते हैं, आई फॉर आइस। अब बच्चों, आई सेज ई भी होता है, और मैंने पहले भी बताया कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जहां पर वो जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही वहां पर बोले भी जाते हैं, उनका साउंड भी वही होता है। आइसक्रीम, आइस, वैसे आई का साउंड ई में काउंट किया जाता है। आई फॉर इंक। क्या है ये? इंजेक्शन। बच्चों, अगर आप लोग ज्यादा आइसक्रीम खाओगे, ज्यादा बर्फ खाओगे, आइस खाओगे, तो क्या हो जाएगा? यस, बीमार पड़ोगे, और फिर बीमार पड़ेंगे तो मम्मी पापा कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या देगा हमें? इंजेक्शन। यस, इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। चुपती है ना बहुत, इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए हमें आइसक्रीम। गर्मी है ना, तो आपको आइसक्रीम खाने बहुत अच्छा लगता होगा, ठंडा पानी पीने, बर्फ खाने अच्छा लगता होगा, मगर ज्यादा खाने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या दे सकता है? इंजेक्शन। इसलिए हर काम लिमिट में करना चाहिए, हमें आइसक्रीम कम खाना चाहिए, बर्फ का कम इस्तेमाल करें, ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। हाँ, तो क्या था? आई फॉर इंक, आई फॉर इंजेक्शन, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइस। जे, जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, जे फॉर जीप। जीप अच्छी लगती है ना आपको?
J for jug. सब में J for joker बोले तो joker में क्या आ रहा है पहले ज, फिर जो हमें जीप में क्या आता है ज, जग में भी पहले हम लोग का साउंड क्या निकल रहा है ज, तो J says ज, बोलो मेरे साथ J says ज. J for joker, J for jeep, J for jug. K. K for kitten. बिल्ली का बच्चा है ना ये? Yes. बिल्ली के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? Kitten. K for kitten. K for king. किसको बोलते हैं? राजा को. Yes, kite. Kite यानी पतंग. पतंग उड़ाना अच्छा लगता है ना? लड़कों को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाना. बच्चों पतंग उड़ाना अच्छी बात है, मगर पतंग के पीछे दौड़ना यहाँ वहां देखे बगैर तो वो गलत है, क्योंकि पतंग पकड़ने के चक्कर में हमें नुकसान पहुंच सकता है, हम गिर सकते हैं, हमें जख्म हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, इसीलिए बहुत ही सेफ्टी के साथ, हिफाजत के साथ पतंग उड़ाना चाहिए. और पतंग कटती है तो उसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए. तो क्या कहते हैं हम लोग? के. सबको समझ में आ गया होगा के का साउंड क्या होगा? क. फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग. के सेस क, के सेस क, के फॉर किटन, के फॉर किंग, के फॉर काइट. क्या है ये? एल. क्या है? एल. एल फॉर लायन, एल फॉर लेमन, एल फॉर लैडर. तो एल सेज ल, एल सेज ल, एल सेज ल, एल फॉर लायन, एल फॉर लैडर, एल फॉर लेमन. एम. एम फॉर मैंगो, एम. M for monkey, M for mask. अभी तो आप सबको पता है मास्क किसे कहते हैं, क्योंकि जैसे ही बाहर हम लोग निकलते हैं तो क्या लगाते हैं? मास्क लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि बाहर बीमारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, इसीलिए हमें मास्क लगाना जरूरी है. और बच्चों बिना जरूरत घर के बाहर ना निकले, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, बीमारी का डर है. और हमेशा हाथ धोते रहे, जब भी कुछ खा रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ धो लेना चाहिए, ताकि हाथ के कीटाणु मर जाएं. और इसीलिए बच्चों MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास में वीडियो बनाकर आपको भेजे जा रहे हैं, ताकि आप लोग घर बैठे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें. इसीलिए बच्चों बिना जरूरत घर के बाहर ना निकले. अगर कभी निकलना पड़े तो आपको क्या लगाना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए. M for mango, M for monkey, M for mask. तो क्या साउंड निकल रहा है? हाँ, वेरी गुड. साउंड क्या आ रहा है? म. तो M says म. M का साउंड क्या है? म. टुडे we learned A to M, small letters and their sounds. बच्चों आज हमने A to M, A से लेकर M तक पढ़ा.
small letters. We shall meet in the next session. अब हम मिलेंगे अगले सेशन में. थैंक यू. तलबा, असातेजा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फायदा उठा सके. और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म. और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें. उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें. तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.